नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राहुल गांधी जो है ना, और कांग्रेस जो है, वो एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी है कि कैसे भी करके ओबीसी समाज को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और उसी कड़ी में आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला, और उन्होंने कहा कि भाई, वो जो नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या कहते हैं कि वो ओबीसी समाज के अंदर पैदा नहीं हुए हैं। यानी कि जब वो पैदा हुए थे तब वो जनरल कैटेगरी वाले थे, और बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने उन्हें क्या बोलते हैं कि उनके जो समाज है उसको जो ओबीसी कैटेगरी में लाया, और इसी वजह से वे ओबीसी समाज का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसस नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? तो ये जा किधर रहे हैं? उसके साथ साथ राहुल गांधी एक और नैरेटिव बना रहे हैं कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उसके अंदर ओबीसी ओबीसी एससी एसटी इन लोगों का भागीदारी नहीं है। उनके कॉरपोरेट मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं है, कंपनीज में बहुत ही कम भागीदारी है। तो वो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात धीरे धीरे कह रहे हैं। एक और चीज बताने की बात है दोस्तों, कि भारत में समय समय पर जो ये ओबीसी कैटेगरी जो है, इसके अंदर अलग अलग जातियां या अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं उनको लेके आया जाता रहा है ताकि उनकी वोट मिल सके। जैसे कि आपके यूपी में मुलायम सिंह यादव ने यादव समाज को उसको ओबीसी में डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से आप रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि मराठा रिजर्वेशन, वो भी क्या चाहते हैं, वो भी चाहते हैं भाई हमको ओबीसी डिक्लेयर कर दो तो हमें भी वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा, या तो आप एक अलग सा उस टाइप से कर दो, या फिर जाट जो एजिटेशन चलता रहता था अक्सर आप देखेंगे तो राजस्थान और जो दिल्ली का वो एरिया है वहां पर काफी बड़े मात्रा में चलता रहा था। अगर आप उसके साथ साथ अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स वाला देखें तो अभी मणिपुर में जो इतनी बड़ी हिंसा हुई उसके पीछे भी एक कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो मैथिली समाज के लोग हैं उनको भी एसटी कैटेगरी में डाला जाए, और उससे जो है कुकी वाले जो है, कुकी जो वहाँ का जो समुदाय है वो भड़क गया। तो समय समय पर अलग अलग जातियां जो है उनको ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी में लेके आते रहा गया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि कोई देखिए, आप भारत बनने से पहले अगर देखा जाए तो क्या ओबीसी कैटेगरी या फिर इस टाइप की कोई कैटेगरी हुआ करती थी क्या? शायद से नहीं होती। तो नया जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब से ये सारी चीजें हुई होंगी तो बताया गया होगा कि हाँ भाई, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके लिए हम आरक्षण देना चाहेंगे ताकि वो लोग उनका जो है सोसाइटी में उनका स्टेचर बढ़ सके, जो उनकी जो परेशानियां थी उसको एड्रेस किया जा सके, है ना। तो ये जो बात है, ये बात राहुल गांधी को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि समय समय पर बहुत सारी जो समाज है उसमें आते रहे हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी को इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जिस तरह के वो जिस लेवल पर जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, है ना। और अगर ये देखा जाए कि क्या वो दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण है क्या, तो वो ये सबको पता चल जाएगा। भाई उनकी जो माता जी थी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, दादी जो थी उनकी, राहुल गांधी की, वो हिंदू थी, लेकिन जो दादी के हस्बैंड जो थे वो पारसी थे। यानी कि राजीव गांधी वो पारसी हुए, उन्होंने एक कैथोलिक क्रिश्चियन लेडी से शादी की, वो क्या बोलते हैं, वो क्रिश्चियन थी। अब इन दोनों से जो राहुल गांधी आए तो वो कहां से दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण बन गए, है ना। तो अगर राहुल गांधी इन सारी चीजों पे जाना चाहेंगे तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। एनीवे, राहुल गांधी की अपनी एक पॉलिटिक्स है, और राहुल गांधी को लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा और उसके पीछे पूरा मीडिया और सब चीज चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी बोलते हैं और उसी के साथ साथ जो है मीडिया या सोशल मीडिया तथ्यों को सामने उजागर करके लेके आ जाती है। तो उनका जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव जो कांग्रेस और जो मोमेंटम चाहती है
वो मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाता है। कास्ट सेंसस के ऊपर भी मोमेंटम इसलिए नहीं बिल्ड हो पा रहा है क्योंकि कर्नाटक जो है वहां पे, जब पिछली बार जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कास्ट सेंसस कराया, काफी सारे उसमें पैसे खर्च हुए, लेकिन उस कास्ट सेंसस का डेटा आज तक कांग्रेस ने उसको रिलीज नहीं किया है, क्योंकि जब उन्हें जब एक्चुअल नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चले हैं कहीं ना कहीं पे, तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये जैसे ही लेके आएंगे तो लिंगायत और बुकलिगा जो वोट बैंक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भड़क जाएगा, और जिसका नंबर ज्यादा होगा तो बोलेगा भाई इसको क्यों दे रहे हो, दूसरा वाला बंदा बोलेगा ना भाई हम कम है तो हमें तो इनको क्यों डाल के रखे हो अपने एससी एसटी ओबीसी इन सब में। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज भी है, और कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं पा रही, या फिर वो चाहती है कि भाई जब तक हम लोग सरकार में आएंगे नहीं तब तक तो ये काम कर ही सकते हैं, जब सरकार में आएंगे उसके बाद हम देखेंगे, है ना। तो ये चीज है दोस्तों। और जहां तक कांग्रेस का है, कांग्रेस इस तरह के मुद्दे टाइम टू टाइम उठाती ही रहती है, वो समाज को खासकर हिंदू समाज को बांटने में बड़ा ही उसको आनंद आता है, क्योंकि वो आनंद का कारण ये है कि भाई जब ये समाज बटा रहेगा तभी तो मजा आएगा, तभी तो हम सरकार में आ पाएंगे, नहीं तो हम सरकार में कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन है। और राहुल गांधी ये क्वेश्चन को समझते हैं और उनका उनको उनके पास उसका आंसर भी है, और इसीलिए ये ओबीसी एससी एसटी कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये सारी चीजों की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।